Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का A77 तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा इस फोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप इनेबल करेंगे तो अपने फोन की जो कॉल्स रहेगी उसको आप स्मार्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, यहां से हल्का सा स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे की साइड, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर। सिंपली स्पेशल फीचर में आपको क्लिक करना होगा। यहां पे आप देख सकते हो जेस्टर्स एंड मोशन देखने को मिल जाएंगे। जेस्टर एंड मोशन पर क्लिक करके अब आप देख सकते हो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। सिंपली इस फीचर को इनेबल कीजिए। अब ये काम किस तरह से करता है इस फीचर के बारे में मैं आपको और बता दूं। जैसे कि आपसे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है आपके फोन पे, तो अगर आप उसको आंसर करना चाहते हैं तो सिंपली करना क्या होगा, स्क्रीन पर टच मत कराइए अपने कॉल को, सिंपली रिंग होते हुए फोन को कान की ओर ले जाइए, वो कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। है ना कितना अमेजिंग फीचर, काफी ज्यादा स्मार्ट आपका फोन हो जाएगा, मतलब स्मार्ट कॉल इस तरह से आपकी ये हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव। अगर आप इस फीचर को इनेबल रखेंगे तो आपके फोन पर मान लीजिए हैंड फ्री स्पीकर पर बात हो रही है। अब जैसे ही हैंड फ्री स्पीकर को आप कान की ओर ले जाएंगे, जैसे कान पर रखेंगे फोन को, तो ऑटोमेटिक वो आवाज आपकी बंद हो जाएगी हैंड फ्री स्पीकर पर, और आपका जो कान वाला रिसीवर रहता है इस पर आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये वाला फीचर काम करेगा। नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इसको भी इनेबल रखेंगे तो आपके फोन पर मान लीजिए आपसे कोई भी कॉल वगैरह आती है, आप उसको म्यूट करना चाहते हैं, तो म्यूट करने के लिए कॉल को सिंपल फ्लिप करना होगा अपना फोन, तो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। अगर आपको वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन को प्रेस कर देंगे तो भी कॉल आपकी म्यूट हो जाती है। तो इस तरह से इन फीचरों का आप यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है राइज टू ईयर मेक टू कॉल्स। अगर आपने ये वाला फीचर इनेबल करके रखा है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला नंबर आपसे अभी से कॉल आई थी, तो मान लीजिए जैसे इस नंबर से आपकी कॉल आई थी, जैसे आप इसको इस तरह से देखेंगे, देखते हुए अपने फोन को कान की ओर ले जाएगी, तो आपके इस नंबर पर ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगी, मतलब डायरेक्ट आपका फोन ये कॉल के लिए लगा देगा। सिंपल इस तरह से कॉल नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है और डायरेक्ट कान की ओर वो फोन ले जाना है अपना, तो आपकी कॉल डायरेक्ट यहां पर डायल होना शुरू हो जाती है। तो इन फीचरों का आप यूज कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉल में। एक और अमेजिंग फीचर रहता है, जो कि रहता है पावर बटन से कॉल को एंड करना, मतलब कट कर देना। तो इसको चालू करने के लिए आपको यहीं पे जाना होगा, और जिसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सिस्टम पर सेटिंग पर क्लिक करके एक्सेस सेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिए। अब यहां पे आप देख सकते हो देखने को मिल जाता है आपको प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। इस ऑप्शन को इनेबल करा के अपने पावर बटन को प्रेस करा के कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से चालू थी तो यहाँ के बंद कर सकते हैं, नहीं तो चालू करना चाहें तो यहाँ से ही चालू आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इन फीचरों का यूज करके अपनी कॉल को बहुत आसानी से आप स्मार्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। फिर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।